आगरा शहर के प्राचीन श्री खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्री शिव महापुराण का शुभारंभ श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मंगल कलश यात्रा निकाल कर किया गया। 201 कलश लिए महिलाओं ने नगर में भ्रमण कर कलश यात्रा निकाली। यात्रा का नगर भर में पुष्प वर्षा और जलपान से स्वागत हुआ। शनिवार को बैंड बाजों के साथ श्री शिव महापुराण ग्रंथ को खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर से कथा पंडाल तक लाया गया। साथ ही गणेश उत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति भी बड़ी धूमधाम से पंडाल में स्थापित की गई। आचार्य विद्यासागर तिवारी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु अपने शीश पर मंगल कलश उठाए चल रही थी। नंगे पांव चल रहे श्रद्धालुओं ने पूरे रास्ते श्री शिव महापुराण कथा ग्रंथ को अपने शीश पर उठाए रखा। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर मालवीय नगर, लोहा मंडी, तोता का ताल, मध्य कटरा होते हुए कथा पंडाल पहुंचकर संपन्न हुई। कथा आयोजन समिति ने बताया कि कथा की कलश यात्रा एवं गणेश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कथा प्रतिरोज विधिवत दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी। भक्त जनों में बड़ा ही हर्ष का माहौल है। विगत 14 वर्ष से खेमेश्वर महादेव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा, श्री राम कथा का अन्य अन्य पुराणों का हर वर्ष आयोजन होता है और इस वर्ष गणेश जी के पावन पर्व पर श्री शिव पुराण महापुराण का यहाँ पर भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। सभी माताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ कलश यात्रा को अभी अभी पूर्ण किया है और मैं सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सुबह पूजन विधिवत होगा, प्रसाद वितरण होगा। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे। और अभी थोड़ी देर बाद जो भागवत श्री वो शिव महापुराण का कथा वाचन। कथा के साथ साथ गणेश चतुर्थी से गणेश जी की भी स्थापना हुई है। कथा पंडाल में बड़े ही भव्य गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा के साथ काफी लोग मौजूद रहे। देखिए, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सबके आराध्य गणपति बप्पा आज हमारे यहाँ पधारे हैं। हमारे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में समय पधारे हुए हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के निमित्त आज खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर 14वां गणेश उत्सव कलश पूजन के साथ ही बड़े धूमधाम से इस गणेश जी को हम लोग लेकर के आए हैं और बप्पा की हम पूजा करेंगे। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि बप्पा पूरे देशवासियों के ऊपर ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए। मेरा नाम सिया है और आज गणेश जी की स्थापना हुई है हमारे यहाँ और अभी कलश यात्रा भी निकली थी। चारों तरफ से बहुत सारे लोग भी आए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर परीक्षित अजय सुनीता महौर, वंदना कुशवाहा, बीना चौहान, कोमल दीपा, केशर देवी, दिया आदि लोग उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।